तो हरियाणा की सियासत पे एक मुलाकात ने खलबली मचा दी है और मुलाकात की है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। संसद के सेंट्रल हॉल में हुई इस मुलाकात के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भगवाधारी होंगे, क्योंकि कांग्रेस के विधायक जयतीरथ दहिया ने कहा है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, यानी कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जयतीरथ दहिया यहां पर अपने बयान से साफ, जो यहां कह सकते हैं कि इशारा ही नहीं बल्कि बहुत कुछ बयां कर रहे हैं कि हां, हुड्डा ने पीएम मोदी से मुलाकात की है और कल को हुड्डा बीजेपी में शामिल हो जाए इस बात की संभावना से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि बीजेपी हरियाणा में एक बड़े कद्दावर जाट नेता को ढूंढ रही है। सोनीपत की राय विधानसभा से कांग्रेसी विधायक और पूर्व सीएम हुड्डा के सबसे करीबी विधायकों में से एक जयतीरथ दहिया ने शुक्रवार को एक बयान देकर हरियाणा की राजनीति में एक नई तरह की सुगबुगाहट को हवा दे दी। कांग्रेस के विधायक ने शुक्रवार को अपने घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पूर्व सीएम हुड्डा और पीएम मोदी की संसद के सेंट्रल हॉल में हुई मुलाकात पर बड़ा बयान दे डाला। और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पीएम मोदी के बीच हाल ही में दो बार हुई मुलाकातों से अटकलों का दौर शुरू हो गया है। दोनों की मुलाकात के अलावा हुड्डा के करीबी और राय से विधायक जयतीर्थ ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि ये शिष्टाचार की नहीं बल्कि राजनीतिक मुलाकात है। हुड्डा साहब और मोदी साहब की मीटिंग हुई है, इसके साथ के साथ आपने आज के अखबार में एक खबर और भी आई है कि बीजेपी को तलाश है कद्दावर जाट नेताओं की। अगर दोनों को मिला के अगर आप इसका रिजल्ट निकाल लो तो मुझे ये लगता है कि ये जो पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल में मोदी साहब की जो मीटिंग हुई है हुड्डा साहब की, इसका बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। राजनीतिक मायने बदल सकते हैं? बदल सकते हैं जी, पक्के बदल सकते हैं। दरअसल पीएम मोदी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच लंबे समय से काफी अच्छे रिश्ते रहे हैं और हाल ही में संसद भवन के सेंट्रल हॉल में दोनों की दो बार मुलाकात भी हुई। दोनों की मुलाकात पर जयतीरथ दहिया ने दावा किया कि आने वाले दिनों में ये मुलाकात नए राजनीतिक समीकरण को भी अंजाम दे सकती है। फूट कोई नहीं है, सिर्फ एक अध्यक्ष की बात है कि हम अध्यक्ष बदलवाना, संगठन की बात है कि संगठन हमारा कमजोर चल रहा है और वो कमजोर इस वजह से है क्योंकि हमारा नेता कमजोर है। हम ये चाहते हैं कि इसमें हुड्डा साहब जैसा मजबूत नेता आए और कांग्रेस ऊंचाइयों को छू जाए। जिस तरह से पीएम मोदी और हो भी मुझे उनके उसका पीएम मोदी को हुड्डा की मुलाकात है और राजनीतिक मायने बदल सकती है जी, बिल्कुल इसमें कोई दो शक नहीं कि मायने बदल सकती है। और आने वाले समय में राजनीति में कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है? हाँ जी, हमेशा कभी भी आप राजनीति आइए, राजनीति में क्या कब हो जाए इस किसी को कुछ नहीं पता। ज्वाइन करते हैं हुड्डा तो आप साथ जाएंगे? हम तो जहाँ हुड्डा साहब जाएंगे, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा, हम हुड्डा साहब के साथ हैं। हुड्डा साहब जो स्टेप लेंगे, जो उनकी मर्जी है, हम उनके साथ हैं और पूरा विधायक दल उनके साथ है। पूरे मामले पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पीएम मोदी से उनकी मुलाकात पूरी तरह से शिष्टाचार की भेंट थी, जबकि जानकारों का मानना है कि दोनों की मुलाकात जिस गर्मजोशी से हुई है उसे आम मुलाकात नहीं कहा जा सकता। दरअसल हरियाणा कांग्रेस में अशोक तंवर और हुड्डा के गुटों में 36 का आंकड़ा है और दोनों खेमों के बीच विवाद कई बार कांग्रेस आलाकमान के पास पहुंच चुका है। ऐसे में लगता है कि पीएम मोदी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुलाकात जल्द ही नए समीकरण बना सकती है। दूसरी तरफ राजनीतिक विश्लेषक ये भी मान रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा दबाव बनाने की चाल चल रहे हैं, क्योंकि वो लगातार अपने चहेते विधायकों और नेताओं के जरिए हरियाणा कांग्रेस की कमान पाने के लिए कांग्रेस आला कमान पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। टोटल न्यूज के लिए गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट। तो वही प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि ये मुलाकात महज शिष्टाचार के नाते हुई है। जब से नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे और हम हरियाणा के सीएम, इस तरह की मुलाकातें होती रही हैं, इसका कोई सियासी मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए।
चलिए इस खबर पर आगे भी बात करेंगे, यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लेकिन ब्रेक में आने से पहले आपको बता दें कि आज रात 8 बजे जरूर देखिए टोटल न्यूज पर हमारा विशेष कार्यक्रम बवाना का बादशाह कौन, बवाना विधानसभा उपचुनाव पर आम जनता के मन में क्या है, क्या है उसका इरादा, जरूर देखिए आज रात 8 बजे।